वेलकम फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है ठाकुर बाड़ी स्टाइल कतला माछेर फ्राई। ये एक ऑथेंटिक बंगाली कुजीन है। राइटर प्रज्ञा सुंदरी देवी बुक आमिष और निरामिष आहार से ये रेसिपी इंस्पायर्ड है। सबसे पहले नमक हल्दी और उसके बाद एक पेस्ट बनाएंगे, उससे हम फिश को मैरिनेट करेंगे। पेस्ट के लिए यहाँ पे हमने प्याज, अदरक, लहसुन और थोड़ी सी हरी मिर्च हम लेंगे। इन सभी चीज़ों को विदाउट वाटर हम ब्लेंड करेंगे। एकदम थिक पेस्ट आप जैसे देख सकते हैं ये बन के रेडी हो जाएगा। इसको नमक और हल्दी के साथ फिश में अच्छे से मैरिनेट करेंगे। ये जो मैरिनेशन है इसको आपको लगभग एक घंटा तक रख देना है। उसके बाद थोड़े से जो लाल मसूर की दाल होती है उसको हम ब्लेंड करेंगे। यहाँ पे लगभग मैंने हाफ कप मसूर की दाल ब्लेंड किया है, आप देख सकते हैं। उससे हम फिश जो हमारी ऑलरेडी मैरिनेटेड है उसको अच्छे से हम इसमें कोट करेंगे। पर इस मैरिनेशन के दौरान आप फिश को फ्रिज में बिल्कुल ना रखें, क्योंकि उससे फिश हमारा फ्राई होने के वक्त अंदर से कच्चे रह सकते हैं। और ये जो हमारे मसूर की दाल की जो कोटिंग है यही इस रेसिपी को बहुत ज़्यादा टेस्टी और डिफरेंट बनाती है। इससे ये रेसिपी बहुत ज़्यादा कुरकुरी, टेस्टी और एक अलग लेवल का टेस्ट इसमें आ जाता है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से सभी पीसेस को कोट करेंगे। अगर आप इसको मैरिनेट करके रख देंगे फ्रिज में तो कुक करने से पहले एक घंटा पहले इसे निकाल लें। तो अभी इसको फ्राई करने की देरी है, ऑयल हमारा काफ़ी हद तक गर्म हो चुका है। अब इसमें हमने सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल, जो कि बंगाली कुजीन में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, उसको डाला है। और यहाँ पे धीरे धीरे करके हमने पहले से कोट किए हुए फिश को हम फ्राई होने के लिए दे देंगे। इसको एक साइड से मीडियम फ्लेम पे, वरना जो बाहर का कोट है वो कुक हो जाएगा और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। इसीलिए मीडियम फ्लेम पे पहले हमें 3 मिनट तक कुक करना है। उसके बाद दूसरे साइड से भी लगभग 2 से 3 मिनट तक कुक करना है। इससे हमारे फिश अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो इसको आप देख सकते हैं, इसको अच्छे से हम धीरे धीरे करके निकालेंगे, क्योंकि ये जो बाहर का क्रिस्पी कोटिंग है उसका अगर जल्दबाजी में हम निकालने जाएंगे तो वो टूट जाएगा।